सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ rishto.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रख्या वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हां जो जीवन साथी तव्हां जो इंतज़ार कंदो हुजे। rishto.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। रेसिडेंसी निरंकारी हाल के बाजू का नाला है, जहाँ से पानी आगे जाता है, और ये 25-30 फुट के मुंह का नाला है, जिसमें आप देखेंगे कि 85% इंक्रोचमेंट किया है। सिर्फ 3 फुट छोड़ा है पीछे से, आप कैमरा घुमाइए, सिर्फ 3 फुट पीछे से छोड़ा है और 27 फुट इंक्रोचमेंट किया है पूरा महानगर पालिका ने खुद। ये किस तरीके की डेवलपमेंट और विकास हो रहा है शहर में? पर्यावरण को बचाया जा रहा है कि लोगों को डुबाया जा रहा है? ये किस तरीके के उपाय किए जा रहे हैं? उपाय करने जरूरी हैं, नदियों का प्रदूषण रोकना जरूरी है, लेकिन शहर को बर्बाद करके और डुबा के और नुकसान करके ऐसे आप क्या उपाय कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके के अधिकारी बैठे हैं पानी पुरवठा विभाग में, क्या कर रहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए, नहीं तो शहर डूबने वाला है इस साल। धन्यवाद। और करोड़ों रुपए ठेकेदार के भी बर्बाद होने वाले हैं। सुनते नहीं हो, लोगों बोलते बनाएंगे बनाएंगे, हम जल्दी काम भी नहीं करते, ऐसे ही पड़ा है। तो तुम लोगों का भी मकान डूबेगा, हमारा पीछे हमारा वार्ड भी डूबेगा। हम लोग तो सुबह भी बोला, वो सफाई भी किया है तो मुंह खोला नहीं है पूरा। क्या नाली बन गया, नाले का 20 फुट का नाला, 3 फुट छोड़ा है खाली जगह। पूरा पूरा हमारे घर में बरसात में पूरा पानी आ जाता है, हम लोग का बच्चा इधर से भी बनाते नहीं है, कुछ नहीं। आपने सुना, व्यापारी नेता व समाज सेवी राजेश टेकचंदानी ने आने वाले मानसून में शहर में जल जमा होने की संभावना व्यक्त करते हुए उल्लासनगर महापालिका अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने के लिए इशारा दिया है। उल्लासनगर महापालिका की तरफ से शहर में नाला सफाई शुरू है और महापालिका की तरफ से नाले के गंदे पानी के शुद्धिकरण करने के लिए कुछ नालों में प्लांट लगाए गए हैं, ताकि मानसून में नालों का जो गंदा पानी है वह शुद्ध होकर नदी में जाए। ऐसे ही एक प्लांट पर जब राजेश टेकचंदानी जी का ध्यान गया तो उन्होंने शहर में जल जमा होने की संभावना व्यक्त करते हुए बताया कि उल्लासनगर कैंप एक न्यू टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक बड़ा सा नाला है जो तकरीबन 20 फुट का है, जहाँ नाले के अंदर कुछ 15 फुट तक का कोई प्लांट बनाया गया है। वहीं शहाड़ परिसर में कोणार्क इमारत के पास बड़े से नाले में भी तकरीबन नाले को बंद कर ऐसा ही एक प्लांट बनाया गया है। बस कुछ ही दिनों में मानसून शहर में दस्तक दे सकता है और नालों में बनाए गए इस तरह के प्लांट की वजह से मानसून में परिसर के इमारतों, दुकानों और घरों में नाले का पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है, ऐसा राजेश टेकचंदानी का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैं श्रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए, हमारे वार्ड में और पूरे शहर में नाला सफाई का कार्य चालू है। मैं अपने वार्ड में निरंतर नाले सफाई का खुद और मेरी टीम पूरा निरीक्षण करते हैं, तो आज मैं आगे निकला कि हमारे वार्ड में तो कार्य अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या हमारे वार्ड का पानी जब नाले से आगे बढ़ेगा तो आगे नाला खड़ा हुआ है क्या? तो हमने जगह जगह विजिट किया तो ये पाया कि टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में आमदार कार्यालय के पीछे, बगीचे के पीछे ये जो बड़ा नाला है, जहाँ से हमारे पैनल नंबर 5, पैनल नंबर 6 का पानी इस तरफ आता है, तो यहाँ पे 20 फुट का नाला है जहाँ से पानी जाता है, और 15 फुट का एक 15x15 फुट का बड़ा चबूतरा बनाया गया है। जब मैंने सैनिटरी डिपार्टमेंट के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एकनाथ पवार जी से बात किया कि अगर आप 20 फुट के नाले पे 15 फुट का ये चबूतरा बना रहेगा और खाली 3 से 4 फुट जगह छोड़ा है कि पानी जाने के लिए, तो फिर हमारे पीछे की एरिया तो पूरा जल जमा हो जाएगा और बाढ़ग्रस्त हो जाएगी। तो उन्होंने बोला ये कार्य हमने नहीं किया है, यह कार्य पानी पुरवठा विभाग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ने किया है। तो मैंने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात किया, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि हाँ, ये कार्य हमने किया है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ है और ये देखते हैं क्या कर सकते हैं। अरे भाई, हमारा वार्ड डूब जाएगा, वो तो आप देखो, बाकी के उपाय करते रहो आप, कोई बात नहीं है।
तो मैंने इस विषय पे हमारे शहर के जो उपायुक्त हैं श्री लेंगड़ेकर साहब, मैंने अभी उनको फ़ोन किया, मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने बोला आप सही बोल रहे हैं कि ऐसे हमने दो तीन जगह पे नालों के अंदर 15x15 फुट के चबूतरे बना के और उस पर फिल्ट्रेशन का काम चालू किया है। उल्लासनगर महानगर पालिका में प्रॉपर सीवरेज प्लांट नहीं है और इस वजह से MGT का सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लासनगर, कल्याण और आस पड़ोस के नगर पालिका और महानगर पालिकाओं पे पेनल्टी लगाई है और उस पेनल्टी को ये लोग भर रहे हैं। अब उसमें इन्होंने टेम्पररी उपाय किया है कि हम लोग जगह जगह नालों में चबूतरे बना रहे हैं और नाले का पानी यहीं फिल्टर करेंगे, जैसे नदी में प्रदूषित पानी न जाए या कम प्रदूषित पानी जाए। ये बात ठीक है, उनको उपाय करना चाहिए, मामला प्रदूषण का है, नदियों को भी बचाना है और सुप्रीम कोर्ट का भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी रखना है, लेकिन ये उपाय करने से तो हमारे पूरे एरिया ही डूब जाएगी। पूरा गोल मैदान, आमदार का वार्ड, मेरा नाना नानी क्षेत्र है, नेहरू चौक क्षेत्र है, कैम्ब्रिज वाला रोड, पूरा व्यापारी संकुल पूरा डूब जाएगा। अगर आप 20 फुट के नाले को 15 फुट आप खुद ही इंक्रोच कर लोगे और खाली 5 फुट छोड़ोगे तो फिर हमारे पूरा पीछे का एरिया तो डूबने वाला है। तो मेरे को लेंगड़ेकर साहब ने आश्वासन दिया है कि आज छुट्टी का दिन है, मंडे को मैं खुद आता हूँ और सर्वे करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इस विषय में क्या हो सकता है और उसका क्या उपाय करना चाहिए। अगर यही रहा, मैंने इस विषय पर आमदार को भी फ़ोन किया, पानी परोठा के अधिकारियों को भी फ़ोन किया और लेंगड़ेकर साहब को भी फ़ोन किया है, तो मेरी महानगर पालिका आयुक्त और सभी डिपार्टमेंट के HOD को ये विनंती है कि इस तरीके के टेम्पररी उपाय न करें। ये उपाय जो करने हैं, अगर नदी को बचाना है तो ऐसे चबूतरे आप नदी के मुहाने पे बनाएं ना कि नदी में पानी गिरने से पहले वहीं फिल्टर हो जाए। आप एक के जगह पे वहाँ पे 5 बनाओ, लेकिन शहर के बीचों बीच नालों में इतनी हॉट एरिया और इतना पॉश एरिया जो पूरा व्यापारिक क्षेत्र है और रहवासी क्षेत्र है, आप ये काम करोगे, टेम्पररी ये बनाओगे तो इससे तो हमारे पूरे क्षेत्र डूबने वाले हैं। व्यापारियों के नुकसान होंगे और रहवासियों के नुकसान होंगे और पूरा जल जमा हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लोगों से बात किया तो लोगों का क्या कहना? लोगों को ये सख्त एतराज है, लोगों का, यहाँ के लोग जागरूक हैं, नागरिक, इनका बोलना है कि हमने भी अधिकारियों से बात की है लेकिन हमको सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। इन लोगों को भी पूरी जानकारी है और कहाँ तक पानी आता है, इनको भी डर है। तो मैंने इनसे बात की तो ये लोग तो रेडी थे, भाई नहीं ये तो आप सही काम कर रहे हो और हम अधिकारियों को संपर्क कर रहे हैं तो हमको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो मैं इसीलिए आपको भी बुला लिया कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले 8 दिन में बरसात जोरदार आने वाली है, इस तरीके से तो ये गरीब भी डूबेंगे, व्यापारियों का व्यापार भी डूबेगा और हमारे वार्ड के रहवासियों का भी पूरा बिल्डिंग्स के पार्किंग और बंगलों एरिया में पूरे पानी चला जाएगा। तो मेरी और आप सामने अगर अपना कैमरा घुमाएंगे तो नाला सफाई भी क्या हुई है आप जरा देखिए। हमारे वार्ड में मैं सहमत हूँ कि अच्छी हुई है कार्य, लेकिन आप आगे बढ़िए और आगे के नाले देखिए क्या कार्य हुए हैं। अगर आगे पानी फंस जाएगा तो हमारे पीछे साफ़ करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आगे से साफ़ करना चाहिए ना। तो वो भी मैं सैनिटरी डिपार्टमेंट को बोलूँगा, पवार साहब को बोलूँगा कि आगे की भी अच्छे से निरीक्षण करें, नाला सफाई करवाएं और ठेकेदार ठेका दिया गया है तो अच्छा कार्य करवाएं। हमसे घर से बाजूला त्यांनी ये बांध लेले येते बरोबर नाही, आमच्या इथे लई पाणी येते, म्हणजे आम्हाला लई त्रास येते त्याचा। ते सारखे सारखे ते येतात गाडी, काय काय करतात काय माहित नाही, काही करत भी नाही ते लोक, नुसतं बनवून ठेवलंय ना। जेसीबी आले आमचं सगळं भिंत पडली तर सगळं ढसलायला लागलंय, सगळं पया बिया हालू राहिला, आमचं अनिकडूनच सारखं उकरून काढतात ते लोक। पावसाळ्यात आम्हाला लई त्रास आहे, कधी पण आमचं घर पडू शकतोय असं पडायला आलंय असं झालंय। त्या लोकांना बोललंय आम्ही हे आता कशाला बांधता, ते म्हणतात हे गव्हर्नमेंटचं काम आहे असंच राहत, मग तुम्ही आता पावसाळ्यात कसं काय बांधतात, पुरं बी नाही करत काम, असं अर्ध मध्ये सोडून देतात। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।